हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश। तो देख सकते हैं वेगन आर के सीरीज टाइप 4 मॉडल। तो इसमें प्रॉब्लम है गियर शिफ्टिंग और इंगेजिंग की, क्योंकि इसका जो गियर लीवर है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, ना ठीक से शिफ्ट हो पा रहा है ना इंगेज हो पा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका गियर लीवर किस तरह से हार्ड है। तो गियर लीवर में अपने को दो पोजीशन लेने पड़ते हैं, पहला तो सिलेक्टिंग का और दूसरा शिफ्टिंग का। तो देख सकते हैं सिलेक्ट यानी कि लेफ्ट और राइट करेंगे तब अपना जो गियर वो सिलेक्ट हो पाएगा कि कौन सा गियर लगाना है, और शिफ्टिंग हम सिलेक्ट करने के बाद शिफ्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले भाई अपने को सिलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, देख सकते हैं बहुत ही हार्ड है ये। अगर ये मुश्किल से सिलेक्ट हो भी गया तो भी शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड। इसका जो सिलेक्टिंग है वो भी हार्ड है और शिफ्टिंग भी हार्ड है। तो भाई इसके लिए अपने को पहले गियर का लीवर खोल के चेक करना पड़ेगा कि कहीं गियर लीवर का तो नहीं है। अगर गियर लीवर का नहीं है तो अपने को फाइनली गियर बॉक्स डाउन करना ही पड़ेगा। तो भाई मैं आपको यहाँ से गियर लीवर खोल के मैनुअल शिफ्टिंग करके कन्फर्म करा देता हूँ कि फॉल्ट गियर बॉक्स में है या फिर गियर के लीवर में। ये गियर लीवर खोल के मैनुअल शिफ्टिंग करके अपने को पता चल जाए कि फॉल्ट कहाँ पे है। तो देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने बैटरी और बैटरी ट्रे हटा लिया। अब करते हैं मैनुअल शिफ्टिंग बाय हैंड। तो भाई हम लोग करने वाले हैं मैनुअल शिफ्टिंग। तो देख सकते हैं इसमें हम लोग कर रहे हैं मैनुअल हाथ से शिफ्ट, सारे गियर प्रॉपर शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब इसका जो गियर बॉक्स है वो ओके है। तो अब हम कर लेते हैं इसकी गियर लीवर चेक। तो देख सकते हैं ये जो लफड़ा है माजरा है केबल का है, देख सकते हो इसका जो केबल है बहुत ही जाम है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है बाई हैंड। और इधर दिखा भाई, तो भाई ये जो केबल है वो है अपना सिलेक्ट वाला सिलेक्टर शाफ्ट का, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो गियर लीवर बाहर करके भी मैं आपको चेक करा दूंगा कि जो गियर लीवर के कंडीशन है वो कैसी है। तो अपने को गियर लीवर खोलने के लिए अपने को एक कंसोल वगैरह पूरा खोल लेने पड़ेगा, उसके बाद जो है अपना गियर लीवर बाहर आ जाएगा, क्योंकि पहले ही हमने सामने से गियर बॉक्स का जो कनेक्शन है वो खोल रखा है। तो देख सकते हैं अपना कंसोल हो गया बाहर। अब हम लोग निकाल लेते लीवर कुछ इस तरह से, ये निकल गया ये यहाँ से, तो ये अपना लीवर बाहर, ये बाहर। तो इस तरह से अपना लीवर हो गया बाहर। तो देख सकते हैं अपनी शिफ्टर शाफ्ट जिसमें हम लोग शिफ्ट करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव रिवर्स फोर गियर, और ये अपनी सिलेक्टर वाली लीवर जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं एक दो लगाने की तीन चार की फाइव और रिवर्स। तो देख सकते हैं बिल्कुल जाम है, पूरी ताकत लगाने से भी ये आगे पीछे नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा जाम और एकदम बिल्कुल फ्री। इसके चलते दोस्तों इसमें जो शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही थी, तो हम लोग कर लेंगे ये केबल रिप्लेसमेंट। तो देख सकते हैं हमने जो गियर का जो केबल है वो रिप्लेसमेंट कर लिया है। तो भाई अगर गियर में परेशानी होती है दिक्कत होती है तो यहाँ भी एक जगह सेटिंग दिया होता है, देख सकते हैं ये सेटिंग, यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो जो गियर लीवर है वो फाल्टी था, तो हमने गियर लीवर चेंज कर लिया है और यहाँ से इस तरह से सेटिंग कर लेते हैं। और देख सकते हैं लॉक वाइट वाली ये लॉक कर दिए, तो इस तरह से इसको लॉक कर देते हैं। अगर लॉक नहीं करेंगे तो जो केबल है वो फ्री हो जाएगी, तो ये लॉक कर लेना तो बहुत ज़रूरी है, भूलना नहीं है भाई। तो देख सकते हैं 1555 रुपये की जीनून गियर लीवर मारुति की वो हमने परचेज़ किया हुआ है। तो देख सकते हैं सामने से बैटरी ट्रे और बैटरी वगैरह लगा के कंप्लीट कर लिए हैं, और अंदर से भी गियर लीवर का जो कंसोल वगैरह है वो लगा के ले लिए हैं। ये देख सकते हैं कंसोल वगैरह फिट कर लिए हैं और अपना गियर भी स्मूथली लग रहा है बिल्कुल ईजीली। तो नाइट का टाइम है इसलिए वीडियो इतना क्लियर नहीं आ पा रहा है जितना कि आना चाहिए, देख रहा हूँ इसका क्लस्टर मीटर मात्र 48,000 में इसका जो गियर का केबल है वो ख़राब हो गया। इतना जल्दी तो ख़राब नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट रहा होगा।
तो इसमें जो गियर शिफ्टिंग हार्ड की जो प्रॉब्लम थी वो गियर केबल रिप्लेस करने से शॉर्ट आउट हो गया। अगर आप गियर ओवर हॉल का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं।